बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको ट्राउजर पे डिजाइनिंग करके दिखाऊंगी। इस पोंचे की चौड़ाई मैंने लिया 9 इंच। इस साइड पे मैं सिलाई लगाऊंगी, 1 इंच इस साइड पे जाएगा और 8 इंच इसकी चौड़ाई बचेगी और नीचे यहाँ पे डिजाइनिंग करूंगी। डिजाइनिंग के लिए मैं ट्राइंगल तैयार करूंगी। ये मैंने ट्राइंगल के लिए पीस लिए हैं तकरीबन 2.5 इंच के चकोर पीस लिए हैं। इसी तरह से ये मैंने पीस लिए हैं 1.5-1.5 इंच के। इनके भी ट्रायंगल तैयार कर लूंगी। पहले मैं दरमियान से इसकी कटाई करूंगी 9 इंच तक। सात इंच से सिलाई शुरू करके ऊपर तक सिलाई लगाऊंगी। ये सिलाई मैंने लगा ली है इस तरह से, यहां से यहां तक मैंने सिलाई लगाई है। बीस इंच तक मैंने सिलाई लगाई है नीचे से 7 इंच छोड़ते हुए। अब मैं यहां से तिरछी कटाई करूंगी इसकी, इस सिलाई तक। इस तरह से सिलाई तक मैं तिरछी कटाई कर लूंगी। ये मैंने तिरछी कटाई कर ली है, अब मैं इसे सीधा कर लूंगी। इस तरह से इसे सीधा करूंगी। ये वाली नोक जो मैंने कटाई की थी इसे इस तरह से मोड़ लूंगी। और 2 इंच नीचे से छोड़ते हुए यहां पे निशान लगाऊंगी। और यहाँ पे 1 इंच से थोड़ा सा कम ये वाला निशान लगा लूंगी इस तरह से। इस साइड पे भी इसी तरह से निशान लगाऊंगी, पहले 2 इंच पे, उसके बाद इस साइड पे जो मैंने 1 इंच से कम कपड़ा लिया है उस पे निशान लगाऊंगी। इस 1.25 इंच फिर ये निशान लगाएं। अब इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करूंगी और जो मैंने निशान लगाया है उस पर इस तरह से दबा लूंगी। उतना ही दबाऊंगी जितना कि मैंने निशान लगाया इस तरह से, और इसे ऐसे फोल्ड कर लूंगी और नीचे इसके ट्रायंगल तैयार करके लगाऊंगी। अब मैं ये ट्रायंगल जो है इस्त्री से सेट कर लूंगी इस तरह से रखते हुए। इसी तरह से छोटे ट्रायंगल भी तैयार कर लूंगी इस तरह से, और इसके ऊपर रख लूंगी यहां पे। इस्त्री से मैंने इसे बिल्कुल सेट कर लिया। जो मैंने नोक बाहर को निकाली थी इस तरह से पहले उसे फोल्ड किया, उसके बाद इस कपड़े को फोल्ड करते हुए इस्त्री से इसे बिठा लिया। अब मैं ये वाले ट्रायंगल इसके ऊपर अटैच कर दूंगी।
इनके ऊपर भी मैंने सिलाई लगा दी है। इसकी हल्की हल्की नोकें सेट कर लूंगी। नीचे से 2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए ये ट्रायंगल लगा दूंगी इसके दरमियान में, इस तरह से इस कपड़े के नीचे रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी रख लूंगी। और इसके ऊपर ऊपर सिलाई लगा लूंगी। अब ये वाला कपड़ा मैं इसके दरमियान में अटैच करूंगी, इस तरह से फोल्ड करके बंद वाली साइड मैं नीचे को रखूंगी इस तरह से। इसकी चौड़ाई 3.5 इंच है, लंबाई 6 इंच। अब मैं इस तरह से फोल्ड करके दरमियान में निशान लगा लूंगी। आधा इंच इस साइड से और आधा इंच इस साइड से, आधा इंच इस साइड पे और आधा इंच इस साइड पे निशान लगा लिया मैंने इस तरह से। अब नीचे से 2 इंच छोड़ के इस कपड़े 2 इंच कपड़ा छोड़ के इसे रखूंगी और सिलाई लगाऊंगी जो मैंने निशान लगाए हैं उनके साथ रखते हुए इस तरह से। डिजाइनिंग मैंने इसकी कर ली है, अब मैं अजाफी पीस नीचे से उतार दूंगी। अब पांचे को 2 इंच फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लूंगी, 2 इंच कपड़ा फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। डिजाइनिंग मैंने कर ली है, अब मैं पांचा फोल्ड करके सिलाई लगा लूंगी। पांचे की चौड़ाई रखूंगी 7 इंच।
ट्रोज़र की डिज़ाइनिंग मुकम्मल हो गई है। बहुत ही आसान तरीके से इस तरह से ट्रोज़र तैयार हो जाता है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लगा है। ये इसकी मेन शेप है, अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।